subject 307 power system second, topic name voltage regulation and efficiency of transmission line. ठीक है, तो जैसे कि हमको पता करना है कि voltage regulation क्या होता है और efficiency क्या होती है एक transmission line की, तो उसका ये main purpose, ये जो दो parameters हैं इनका main purpose ये होता है कि जो transmission lines होती हैं उनकी performance को define करने के लिए help करते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, जैसे सेंडिंग एंड वोल्टेज है, करंट है, पावर फैक्टर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये दो जो मेन फैक्टर्स हैं वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी, ये भी ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इज़ ट्रांसमिटेड यूजिंग थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करते हैं। बट फॉर एनी सिस्टम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन सम पैरामीटर टू इवेल्यूट द परफॉर्मेंस। तो किसी ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। देयरफॉर सम पैरामीटर्स आर क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ये दो पैरामीटर्स हमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, व्हाट इज़ द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सबसे पहले हम देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो सबसे हमने कंसिडर किया कि एक सर्किट कंसिडर किया है जिसमें मैंने बताया है कि एक वोल्टेज सोर्स को हमने सीरीज़ आर एल से जोड़ा है और वहाँ पे रिसीविंग एंड पे एक लोड को कनेक्ट कर दिया है। मतलब कहने का मतलब ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है और ये ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें रेजिस्टेंस है और एक एक्सेल रिएक्टिव कंपोनेंट इंडक्टेंस जोड़ रखा है। ठीक है, तो हमने ये कंसिडर किया है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, जो कि ट्रांसमिशन लाइन में एक शंट कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट करते हैं। दिस इज़ द रीज़न शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी अकॉर्डिंग, जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम शंट कैपेसिटेंस को इग्नोर करते हैं, तो इसमें शंट कैपेसिटेंस नहीं जोड़ा है और सिर्फ सीरीज आर एल को जोड़ के शो किया है। ठीक है, तो अब वी एस जैसे मैंने बताया है सेंडिंग एंड वोल्टेज है, वी आर इक्वल्स टू रिसीविंग एंड वोल्टेज है। सेंडिंग एंड वोल्टेज वो होता है जहाँ पे हम सोर्स को कनेक्ट करते हैं, रिसीविंग एंड वोल्टेज वो होता है जहाँ पे हम लोड को कनेक्ट करते हैं। और हेयर इन दिस केस आई एस इक्वल्स टू आई आर, मतलब कि जो सेंडिंग एंड करंट है वो रिसीविंग एंड करंट के बराबर है, करंट थ्रू द लाइन, इस लाइन के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है उसको हमने आई डिनोट किया है। दिस आई इज इक्वल्स टू आई एस इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, और यह है जेड। जेड क्या है, लाइन इम्पिडेंस, विच इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ आर प्लस जे एक्सएल। ठीक है, तो जब हम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जब करंट फ्लो होती है तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा, इस इम्पिडेंस के अक्रॉस, मतलब आर प्लस एल के दोनों के अक्रॉस होगा। ठीक है, तो देर इज़ नो एक्सेप्शन वेयर रिसीविंग एंड वोल्टेज इज़ मोर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। और इस केस में ऐसा नहीं है कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो मोर देन होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज। बस ये केस किस केस में होता है, सिर्फ फेरेंटे इफेक्ट में, जो हमने कल पढ़ा था। तो सिर्फ फेरेंटे इफेक्ट में ही ऐसा होता है जब रिसीविंग एंड वोल्टेज का मान सेंडिंग एंड से अधिक होता है। ठीक है, फिर अपन ने माना है कि ये लाइन जो है अनलोडेड है। ठीक है, इन दिस केस रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज विल बी सेम। अनलोडेड होगा मतलब क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज का मान समान है और देर इज नो करंट फ्लोइंग इन द ट्रांसमिशन लाइन, मतलब आर और एल के अक्रॉस को भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, और इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट नहीं हो रहा है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, विल बी द वोल्ट, जिससे वोल्टेज ड्रॉप भी आएगा आर और एल के अक्रॉस, दस द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। किस केस में, पहले स्टार्टिंग में अपने इनिशियली ये माना है कि वहाँ पे नो लोड कंडीशन है, तब वहाँ पे रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज समान है और लाइन के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। बट धीरे धीरे क्या है, लोड बढ़ने लगता है, लोड बढ़ते बढ़ते क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है और वोल्टेज ड्रॉप आता है अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो अब अपन यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड कंडीशन।
माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड कंडीशन, इसी को हम वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं. वी एस माइनस वी आर, दिस ड्रॉप इज वोल्टेज एट रिसीविंग एंड वेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर इज नोन एज वोल्टेज रेगुलेशन. मतलब कि नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन में जो रिसीविंग एंड वोल्टेज का मान में बदलाव आता है, और अगर इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो इसी को हम वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं. दस मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन विच इज इक्वल्स टू वी एस माइनस वी आर सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज इंटू 100 डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज, और ये परसेंटेज आ गया. तो इसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, फुल नो लोड कंडीशन से लेके फुल लोड कंडीशन का जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसी को हम वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं. तो वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डिफाइन एज ड्रॉप इन रिसीविंग एंड वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज. ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन को ये एक्सेप्ट कर लें कि रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज आर सेम है. ठीक है, दोनों केस में जो है वो मान जो है वोल्टता का वो समान है. देयरफॉर ए बेटर रेगुलेशन मीन्स लेस वोल्टेज ड्रॉप एंड हेंस लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन. मतलब कि अगर दोनों का वोल्टता का मान समान है तो जो रेगुलेशन होगा वो बेटर होगा, और जो लेस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लाइन मिलेगा, और हेंस रिजल्टेंट क्या होगा, लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन हमें प्राप्त होगा. मतलब कि कहने का मतलब ये है वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो परसेंटेज है वो कम होना चाहिए. ठीक है, तब वो बेटर रेगुलेशन कहलाता है. इट हैज़ बीन नोट दैट द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज अज्यूम टू बी शेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन दो इट इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन. तो इसी वोल्टेज रेगुलेशन को हम शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए स्टडी कर सकते हैं. ये जो फॉर्मूला है फॉर होल ट्रांसमिशन लाइन है. ठीक है, तो कहने का मतलब है बेटर रेगुलेशन मीन्स अ लेस वोल्टेज ड्रॉप एंड हैंस लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है, बेटर रेगुलेशन के लिए हमें लेस वोल्टेज ड्रॉप मिलना चाहिए और रिजल्टेंट लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होना चाहिए. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी. ठीक है, एफिशिएंसी सभी को पता है कि क्या होती है. ठीक है, तो एफिशिएंसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज सबको पता है कि हम एफिशिएंसी को हम नीटा से डिनोट करते हैं और इसे परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं. तो ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी वो पैरामीटर है जो कि बताता है कि कितना आउटपुट ऑफ पावर जो है हम सेंड कर रहे हैं टू द रिसीविंग एंड पे. मतलब कि अगर वोल्टेज सोर्स लगा रखा है सेंडिंग एंड पे तो कितने परसेंटेज ऑफ पावर हम सेंड हुआ है टू द पॉइंट ऑफ रिसीविंग एंड, इसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं. तो क्या है एफिशिएंसी, वो है जो कि बताता है कि कितना इनपुट पावर, कितना परसेंटेज ऑफ इनपुट पावर हमने सेंड किया अक्रॉस द लोड. लेट अस सपोज दैट अपन ने सपोज किया है सेंडिंग एंड पावर जो है पी फॉर पावर एस फॉर सेंडिंग एंड पावर मेगावाट में कंसिडर कर रहे हैं एंड रिसीविंग एंड पावर जो है पी फॉर पावर आर फॉर रिसीविंग एंड मेगावाट में कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, देन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, नीटा इक्वल्स टू पी आर इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय पी एस परसेंटेज. ठीक है, जैसे हमने वोल्टेज रेगुलेशन को भी परसेंटेज के फॉर्म में निकाला था, सिमिलरली यहाँ पे भी ये पी आर अपॉन पी एस. पी आर क्या है, रिसीविंग एंड पावर, पी एस क्या है, सेंडिंग एंड पावर मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, तो बट फॉर पी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाई, एस स्टैंड्स फॉर द सेंडिंग पावर. ठीक है, तो पी एस इक्वल्स टू वी एस आई एस कॉस फाई एस. कॉस फाई एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर. पी आर क्या हो जाएगा, सिमिलरली वी आई कॉस फाई वी आर आई आर कॉस फाई आर. ठीक है, वेयर कॉस फाई एस इज सेंडिंग एंड पावर फैक्टर और कॉस फाई आर इज रिसीविंग एंड पावर फैक्टर. हैंस द परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू
VR, IR, cos phi R कुछ नहीं किया है, PR की जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर दिया है, ये वाला VR, IR, cos phi R और PS की जगह पे VS, IS, cos phi into 100% ये हमने पुट कर दिया है। इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि अगर ये फॉर्मूला है तो 100 माइनस नीटा परसेंटेज ऑफ इनपुट पावर वेयर गॉन, है ना, कहाँ गया। तो एक्चुअली एक नया मेथड भी है, इसकी मेथड से भी हम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो फॉर्मूला है ही है, बट एक और है, ठीक है। तो अगर एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन हैड्स इट्स ओन रेजिस्टेंस, ये सबको पता होता है कि कोई भी कंडक्टर है उसका एक खुद का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, है ना, जैसे ह्यूमन बॉडी का भी एक रेजिस्टेंस होता है, सिमिलरली एक ट्रांसमिशन लाइन का भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, तो उसके कारण भी ओमिक लॉसेस क्रिएट होते हैं। तो अगर हमने पावर को सेंड किया है तो जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो लॉसेस होंगे वो क्या हो जाएगा, पी एस माइनस लॉस विल बी अवेलेबल एट रिसीविंग एंड, है ना, रिसीविंग एंड पे भी हमें लॉसेस मिलेगा, सेंडिंग एंड पावर माइनस लॉसेस, ओमिक लॉसेस जो भी होते हैं। देयरफॉर 100 माइनस नीटा परसेंट इज द लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस गिव्स अ न्यू मेथड टू कैलकुलेट, ये हमें जो पी एस माइनस लॉस जो है अगर कर रहे हैं अपन सेंडिंग एंड पे मिल रहा है, तो देयरफॉर 100 माइनस नीटा परसेंटेज जो है हमें प्राप्त हो रहा है, ये नया मेथड हमें प्राप्त हो रहा है टू कैलकुलेट द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो क्या हो जाएगा, 100% नीटा इक्वल्स टू इनपुट पावर माइनस लॉस, सेंडिंग एंड पावर जो है माइनस लॉस ये जो है, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, इनपुट पावर क्या है, सेंडिंग एंड पावर इनटू 100%। तो ये पी एस माइनस लॉस, पी एस होल डिवाइडेड होल मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो पी एस माइनस पी एस, इस पी एस को इस पी एस से डिवाइड किया, तो पी एस माइनस पी एस लॉस डिवाइडेड बाय पी एस इनटू 100%। तो पी एस अपॉन पी एस 1 हो गया, लॉस अपॉन पी एस एज इट इज़ लिख दिया इनटू 100%। इफ रेजिस्टेंस ऑफ लाइन इज आर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द लाइन इज देन ओमिक लॉसेस। ओमिक लॉसेस क्या होते हैं, सभी को पता है, आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं। तो ये लॉसेस यहाँ पे पुट कर रहे हैं अपन, तो नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय पी एस, तो वे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई स्क्वायर आर, पी एस का मान क्या है, वी एस आई एस कॉस फाई एस, ठीक है। तो 1 माइनस आई आर डिवाइड, अब क्या है, ये आई जो है, मैंने क्या बोला था, रिसीविंग एंड करंट, सेंडिंग एंड करंट इक्वल्स टू आई है, तो ये आई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय आई से कैंसल आउट हो गया, तो बच गया क्या, आई आर डिवाइडेड बाय वी कॉस फाई एस, है ना। सिंस कब तक ये, जब आई आर आई एस इक्वल्स टू आई करंट इन ट्रांसमिशन लाइन है तब तक ये पॉसिबल है, ठीक है। और ये है, ये इन केस ऑफ जब सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टता का मान समान है, ठीक है। दिस इज द मेथड वी कैन कैलकुलेट द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ लाइन। थैंक यू।